अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बियाज लर्निंग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक हों। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम अपने चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कम्युनिटी लेवल एंड लिविंग वर्ड इन स्पेस। पहले हम कम्युनिटी लेवल को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लिविंग वर्ड इन स्पेस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है अपने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो सारे लेवल्स थे उनको वन बाय वन जो है हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, जिसमें हमने सारे लेवल्स को देखा था। उसमें हमने पिछली हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने अपने पॉपुलेशन लेवल को देखा था। तो हमने बात की थी कि पॉपुलेशन लेवल में क्या होता है, सेम टाइप ऑफ स्पीशीज़ जब एक ही वक्त में एक ही जगह पर पाई जाए, पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड लेवल था। अब नेक्स्ट लेवल आपके पास अगर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन हों, या हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ एक ही वक्त में एक ही हैबिटेट में पाई जाएँ, तो हम कहते हैं कि वो आपका क्या बनाती हैं, कम्युनिटी लेवल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ कह सकते हैं या आप डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन कह सकते हैं, जब एक ही वक्त में एक ही जगह पर पाई जाएँ तो आपका कम्युनिटी लेवल बन। कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी बेसिकली आपकी डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होती हैं जो मिलकर आपका एक डायनामिक इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। इसमें वराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। पॉपुलेशन में इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू एबायोटिक फैक्टर, यानी आपके अगर एबायोटिक फैक्टर है जिस तरह आपका वाटर है या आपका फूड सप्लाई है, उसमें फ्लक्चुएशन आ जाए, कोई चेंज आ जाए, तो क्या होता है आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है आपके इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए। ठीक, अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़। अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरह की कम्युनिटीज़ है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में जैसे कि आप सब जानते हैं कि इतनी कम्युनिटी कलेक्शन नहीं होती। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास वराइटी ऑफ पॉपुलेशन, वराइटी ऑफ कम्युनिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब अगर इसी तरह अगर हम सिंपल कम्युनिटी की बात करें, तो इसमें अगर कोई माइनर सा चेंज भी आ जाए तो बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो सम लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। और समटाइम क्या होता है कि सिंपल कम्युनिटी के ख़त्म होने का भी खतरा होता है। और इसके साथ अगर हम कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की बात करें, तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी क्या करती है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में कोई माइनर चेंज आता है उसको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिंपल कम्युनिटी के ख़त्म होने का खतरा होता है। अब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट लेवल्स पर स्टडी कर सकते हैं। जिस तरह अब हमने इंडिविजुअल को स्टडी किया, हमने उसको बिल्कुल उसके लोअर लेवल से एडवांस लेवल तक से वन बाय वन हमने उसके सारे लेवल्स को डिटेल में देखा। जिस तरह हमने पॉपुलेशन में हमने बात की, सेम टाइप ऑफ स्पीशीज़ आ जाती हैं, कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ हैं। इसी तरह यही स्पीशीज़ जब यही लिविंग थिंग्स जो हैं जब नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करती हैं, तो आपका एक इकोसिस्टम बना दे। ठीक है, अब अगर हम देखें कि ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट किस तरह करते हैं किसी जगह पर अपने सर्वाइव करने के लिए, तो इंट्रैक्शन हम देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आपकी प्रीडेशन होती है, फिर पैरासाइटिज्म है, कोमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कंपटीशन, की सारी जितनी भी इंट्रैक्शन है इसको हम आने वाले चैप्टर में इंशाल्लाह हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो प्रीडेशन क्या होता है? प्रीडेशन बेसिकली आपका प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, यानी शिकार करने वाला और शिकार होने वाला जो जानदार है उसका रिलेशनशिप। पैरासाइटिज्म है, यानी पैरासाइट यानी होस्ट को से क्या होस्ट से फ़ायदा लेते हैं लेकिन क्या करते हैं उसको कोई भी उसको मारते नहीं हैं। कोमेंसलिज्म क्या होता है कि आपको एक जो ऑर्गेनिज्म फ़ायदा हासिल कर लेता है लेकिन दूसरे को कोई नुकसान या फ़ायदा हासिल नहीं होता। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह आपके कॉम्पिटिशन यानी किसी भी एबायोटिक फैक्टर, फूड सप्लाई हो गया, किसी जगह के लिए हो गया, आपके सर्वाइवल के लिए जो कॉम्पिटिशन होता है ऑर्गेनिज्म के दरमियान, ये सारे मज़ीद हम एक्सप्लेन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है लिविंग वर्ड इन स्पेस, बायोम। बायोम जो बेसिकली वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, लाइफ, बायो मींस लाइफ एंड ओम मींस मास, यानी मास ऑफ लाइफ। आपके लिविंग वर्ड है वो इनॉर्मस इन साइज है, यानी बहुत फैली हुई है आपकी लिविंग वर्ड जो है, बहुत इसका साइज जो है बहुत बड़ा साइज। क्योंकि देखें जितने भी हज़ारों सालों से जब से लाइफ इवॉल्व हुई है, तो उसमें एडवांसमेंट इवॉल्वमेंट आती रही हैं, स्पीशीज़ जो हैं वो आगे से आगे उसमें प्रोड्यूस होती रही हैं, नए से नए जानदार आते रहे हैं, तो आपकी लिविंग वर्ल्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है। रिप्रोडक्शन जो है जब से लाइफ इवॉल्व हुई तब से रिप्रोडक्शन कंटिन्यूसली चलती जा रही है, नए जानदार जो हैं वो प्रोड्यूस होते रहे हैं। इवॉल्वमेंट उसमें है आपके सर्वाइवल के हिसाब से, जिस तरह की उसकी इन्वायरमेंट की नीड होती है उस हिसाब से उसमें चेंजेस जो स्पीशीज़ हैं या आपके जानदार हैं उनमें चेंजेस आती रही हैं। अब अगर हम बायोम से पहले हम एक वर्ड देखते हैं, बायोटा। क्या होता है कि आपकी अर्थ के जो जितनी भी टोटल कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, हर तरह का जो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसकी टोटल कलेक्शन को हम बायोटा कह देते हैं। ठीक है, लेकिन
बायोम क्या चीज़ है? अ बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटर्मिन्ड बाय क्लाइमेट, यानी किसी भी जगह पर पाए जाने वाले जानदार हैं उसके क्लाइमेट से डिटर्मिन करते हैं हम, ठीक है। रीजनल यानी किसी जगह पाई जाने कम्युनिटी है वो उसके क्लाइमेट से डिटर्मिन की जाती है, और इस हिसाब से हम उसको नेमिंग करते हैं, ठीक है। उसको बायोम कहते हैं, उस जगह पे पाए, उस जगह के हिसाब से हम उसको उसका बायोम कहते हैं, ठीक है। जिस जगह पे क्लाइमेट के हिसाब से कम्युनिटी पाई जाएगी वो उस जगह का बायोम होगी। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ग्रासलैंड बायोम है, डेजर्ट बायोम। ग्रासलैंड बायोम है जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें सिर्फ वहाँ पे ग्रासेस प्रेजेंट होती है, वेजिटेशन इस तरीके की होती है सिर्फ ग्रासेस प्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है। तो अब उसी हिसाब से वहाँ पर जानदार भी पाए जाएंगे, कम्युनिटी वहाँ पर वैसी ही पाई जाएगी। सर डेजर्ट है इट्स मीन कि वहाँ पे वेजिटेशन ना होने के बराबर है, क्योंकि वहाँ की कंडीशन जो है वो फिजिकल कंडीशन जो है इस तरीके की नहीं होती कि वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन जो है वो की जा सके। अब हम बायोम को नेमिंग किस तरीके से करते हैं? हम वहाँ की मेजर वेजिटेशन के हिसाब से देख लेते हैं, जिस तरह की वेजिटेशन होगी जाहिर बात है सर्वाइवल के लिए उसी तरीके के जानदार पाए, उसी तरह की कम्युनिटी पाई जाएगी, उसी हिसाब से हम उसको नेमिंग करते हैं। यहाँ वहाँ की फिजिकल कंडीशन देख लेते हैं कि किस तरीके के वहाँ के जानदार को फिजिकल कंडीशन सूट करती है, उसी तरीके के वहाँ पे वेजिटेशन होगी, उसी तरीके के वहाँ पर जानदार पाए जाए। तो यही वेजिटेशन जो है वो आपके कम्युनिटी को डिटर्मिन करती है कि किस तरीके की वहाँ पे वेजिटेशन होगी, प्लांट्स ग्रो करेंगे, और फिर किस तरीके के वहाँ पे जानदार हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए पर रह सकते हैं। गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप कि आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा बायोम क्या है, कि किसी जगह पर क्लाइमेट के हिसाब से जो कम्युनिटी पाई जाती है वो उस जगह का बायोम कहलाती है, ठीक है। बहुत तरह के बायोम हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ की जो मेजर वेजिटेशन है या उसकी फिजिकल कंडीशन के हिसाब से हम बायोम को नेमिंग करते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, अगर आपका कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो काइंडली वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं आपका वो क्लियर कर सकूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने मेरी कोई प्रीवियस वीडियो मिस कर दी है तो मैं लिंक उसका आई बटन में दे देती हूँ ताकि आप वो देख लें पिछली वीडियोस वगैरह, आपका वो फिर पॉइंट्स आपके क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।